अगली ट्रेंडिंग न्यूज जुड़ी है गुजरे जमाने के मल्टी टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर ओपी रलहान से, जिनके नाम पर मुंबई के बांद्रा इलाके में एक चौक का उद्घाटन किया गया। और इस उद्घाटन के मौके पर बॉलीवुड के ही मैन और डायरेक्टर ओपी रलहान की फिल्मों में काम कर चुके धर्मपाजी भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद रहे और शिलान्यास कर इस चौक का उद्घाटन किया। और साथ ही धर्मेंद्र ने ओपी रलहान के योगदान को याद किया। काश यादों में जान होती, आवाज देकर बुला लेता और रलहान एक पूरा पत्थर और बनाए। जी हाँ, मैं हूँ। इनके साथ अच्छे वाक़ात काफ़ी साथ में रहे हम लोग, प्यारे वाक़ात हैं इनके। मेरे फैमिली रिलेशन था घर में, यहाँ चले जाना, राजेंद्र साहब के चले जाना, दत्त साहब के चले जाना, ये सब अभी एक ही फैमिली हो गए ना सब लोग, तो खुशी होती है सबको एक साथ देख के। एक दिल खुश हो गया कि यार ऐसे लगता है वही वक्त फिर लौट आया है। ये उसकी मेहर और आप सबकी दुआएं हैं, मेरा हार्ड वर्क है और मैं अपने माँ बाप का एहसान समझता हूँ अपने आप को, जिन्होंने मुझे अच्छे नसीहतें दी, अच्छा सिखाया, अपनी सभ्यता दी, वो सब मैं उनका देन नहीं दे सकता। जी दो फिल्मों का जिक्र जरूर होता है, पत्थर के फूल का, जल का, पापी का, फूल और पत्थर। फूल और पत्थर के नाम से लोग मुझे, शाका नाम था मेरा, चार पांच साल लोग शाका ही बुलाते रहे, शाका शाका शाका, जैसे अभी वीरू बुला देते हैं शोले की वजह से, वो कोई कैरेक्टर में दम कोई होता है तो उसको लाइक करते हैं। मेरे तो हर पर हर मोहब्बत भरा है, मोहब्बत जितनी बांट सकते हो उससे दुगनी मिलेगी आपको। दो लव ईच अदर, ये पीस रहेगा, हारमनी रहेगी, मोहब्बत से क्या नहीं हो सकता, मोहब्बत से आप पहाड़ तोड़ सकते हो। आशिक लोग थोड़ा था ना उसने पूरा, तो मोहब्बत में बहुत दम होता है, बाकी तो रियलिटी पता लग जाती है, वो ठीक है।